हेलो एंड वेलकम टू इजी कुकिंग रेसिपीज़। आज हम बनाने वाले हैं बिस्किट्स, जो कि सिर्फ 3 इन्ग्रीडियंट से बनाएंगे और ये हम पैन में बनाएंगे। और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि ओवन के बिस्किट्स और पैन के बिस्किट्स में क्या डिफरेंस है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मैदा, इसमें हम डालेंगे 1 कप पाउडर चीनी। तो चीनी को सिंपली आप ग्राइंड कर लें और पाउडर फॉर्म में इसे डाल दें। तो ये 1 कप है, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो दोनों चीज़ें साथ में छान लें ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएं, वरना आप स्पून से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। ये बिस्किट्स बहुत ही टेस्टी होते हैं और इनका टेस्ट नान खटाई जैसा होता है। और ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स ही इसमें चाहिए होते हैं, जो कि इजीली घर पर अवेलेबल होते हैं। अच्छे से मिक्स हो गया है, हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ऑयल। तो ऑयल मैं अभी ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, अभी पहले डालकर चेक करते हैं कि कितने ऑयल की ज़रूरत और है हमें। तो अगर हमने ऑयल ज़्यादा डाल दिया तो बिस्किट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और टूट जाएंगे, तो इसलिए मैंने अभी ऑयल सिर्फ 1/2 कप डाला है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल रही हूँ, इसमें टोटल 3/4 कप ऑयल डाला है मैंने, यानी कि 1 कप से थोड़ा कम। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ऑयल और ज़्यादा नहीं डालना है? तो आप इसका छोटा सा पोर्शन ले लें और इसको प्रेस कर कर रोल करें, इस तरह प्रेस करें और इसकी बॉल बना लें अच्छे से। अगर ये अच्छी सी फर्म बॉल बन रही है, देखिए इस तरह प्रेस करके बिस्किट का शेप दे दें। अगर ये इस तरह बन रहा है तो आपको और ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। बस ये रेडी है। अब बिस्किट्स जो हैं वो सेम साइज़ के हों, इसके लिए मैंने एक स्पून ले रखा है, इससे मेजर करके मैं सारी बॉल्स बना लूँगी। इसको पहले एक हाथ से इस तरह प्रेस करें और जब ये बॉल बन जाए तो इसको स्मूथली रोल कर लें इस तरह, और फिर हल्का सा प्रेस कर दें। इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो ये रेडी है, इसी तरह सारे बना लेंगे। तो इसे हम पैन में रख देंगे। अभी हमें फ्लेम को ऑन नहीं करना है, अगर आप पहले से फ्लेम ऑन कर देंगे तो बिस्किट्स चल जाएंगे। तो पहले हमने सारे इसमें रख दिए हैं और देखें इस तरह फिंगर की मदद से मैं इसको इस तरह प्रेस कर रही हूँ ताकि इसमें हम जैम फिल कर सकें। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, आप चाहें तो बिना किसी चीज़ के ही से इसी तरह बना सकते हैं प्लेन, ये बहुत टेस्टी होते हैं। बस हम इसमें जैम डाल देंगे। जैम डालने के बाद हम एक तवा लेंगे। तो देखें एक तवा रख रही हूँ मैं यहाँ पर, और इसके ऊपर हम पैन रखेंगे ताकि बिस्किट्स जो हैं वो जले नहीं। और अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और लो मीडियम रखेंगे और पैन को कवर कर देंगे। देखिए इसमें हमने कवर कर दिया है और इसके होल को इस तरह बंद कर देंगे। अगर आपके लिड में भी होल है तो आप कोई टिश्यू पेपर या फॉइल लगा सकते हैं, इस तरह बंद कर दें। अगर आपको ओवन में बेक करना है तो 180 डिग्रीज पर आप बेक करें 15 से 20 मिनट के लिए प्रीहीटेड ओवन में, और अगर आप पैन में कर रहे हैं तो भी 15 से 20 मिनट ही करें। तो लो मीडियम फ्लेम पर इसे 15 से 20 मिनट हो गए हैं रखे हुए, और अब हम इसे खोल कर देखते हैं। हम इसे टच करेंगे तो ये थोड़ा फर्म सा हो जाएगा, अभी ये सॉफ्ट ही रहेगा क्योंकि अभी गर्म है, तो ठंडा होने के बाद ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो देखें इस तरह उठाएंगे तो ये टूटेगा नहीं। तो बस ये रेडी है। अभी ये सॉफ्ट हैं, अगर आप गर्म खाना चाहते हैं तो गर्म भी बहुत अच्छे लगते हैं ये। अब देखें ये ओवन वाले बिस्किट्स हैं और ये पैन वाले, डिफरेंस बस इतना है कि ऊपर से ब्राउनिंग पैन वाले में नहीं हुई है, जो कि कोई बात नहीं, टेस्ट में एकदम सेम है। देखें ये ओवन वाले में ब्राउनिंग हुई है अच्छे से ऊपर से, और ये भी क्रिस्पी हैं, अच्छे हैं। अब हम पैन वाले देख लेते हैं। तो इसमें देखें ये भी नीचे से अच्छे से ब्राउन हुए हैं, बस ऊपर से नहीं हुए हैं, लेकिन टेस्ट में एकदम सेम है और ये भी एकदम अच्छे से क्रिस्पी हुए हैं। तो बस डिफरेंस सिर्फ कलर का है, बाकी ये टेस्ट में बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मुझे कॉमेंट सेक्शन में दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।